नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानिया शो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली कुछ वीडियो से मैं कुंडली विश्लेषण करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नियम के बारे में आपको बता रहा हूं, उसी सीरीज में ये क्लास आगे चल रही है। आज भी मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट नियम बताऊंगा जो कुंडली विश्लेषण करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर कुंडली विश्लेषण उन नियमों को ध्यान में रखे किया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और आप प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने श्लोक पे चलते हैं और इसमें बताते हैं, ये जो भी नियम मैं आपको बता रहा हूँ ये सब शास्त्रों के अनुसार हैं। ये श्लोक अवेलेबल हैं, इन श्लोकों के हिसाब से ये सब नियम अवेलेबल हैं। इसमें कहते हैं पाप ग्रह षष्ठ मृति व्यवस्था, ये बोलता है कि अगर पाप ग्रह छठे मृति मीन्स जो मृत्यु वाला भाव है उसमें, और व्यवस्था व्यवस्था मीन्स के बारहवें भाव में हो, पाप ग्रह यदि छठे आठवें बारहवें भाव में हो तो उन भावों के दुष्ट फल को बढ़ाते हैं। ये सिंपल सी बात है, तो इनका श्लोक में ये कहना है कि पाप ग्रह अगर छह आठ बारहवें भाव में बैठ जाएं, पाप ग्रह जैसे मंगल है, शनि है, सूर्य है, राहु है, केतु है, अगर ये छह आठ बारहवें भाव में बैठ जाए तो उस भाव के दुष्फलों को बढ़ाते हैं। और अगर शुभ ग्रह इन भावों में बैठे, छह आठ बारह भाव में बैठे, मान लिया बृहस्पति बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए या बुध बैठ जाए, तो शुभ ग्रह इन भाव में बैठे हैं तो उस भाव के प्रभाव को नाश करते हैं, मतलब उस भाव का जो दुष्प्रभाव होता है उसको वो नाश करते हैं, दुष्फल का तो नाश करते हैं। लेकिन मंत्रेश्वर जी ने ये कहा है कि दुष्ट फल तो वो अवश्य कम कर देते हैं उसका, लेकिन अपने आप से स्वयं उनका जो कारकत्व है वो खत्म हो जाते हैं, कारकत्व की हानि हो जाती है और अपनी दशा में वो पूर्ण शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है, अगर छह आठ बारह में पाप ग्रह बैठेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको रिजल्ट्स बहुत खराब मिलेंगे और प्रभाव को नाश करेंगे और कलह टाइप के रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके अंदर। उसके विपरीत अगर छह आठ बारह भाव में शुभ ग्रह बैठे तो उन भावों के फलों का नाश तो करते हैं, वो उन भावों के दुष्प्रभाव का नाश तो करते हैं लेकिन अपना भी कारकत्व खो देते हैं और अपनी दशा में वो समर्थ पूर्ण अच्छा फल नहीं दे पाते, अच्छा फल वो नहीं दे पाते। इसमें वो कहते हैं कि भावस्य यस्य स्वफलम विचिन्त्य भावम चैतम लग्नमिति प्रकल्प। ये क्या कहते हैं कि जिस भाव का विचार करना हो, जिस भी भाव का विचार आपने करना हो उसको लग्न बनाकर एक नई कुंडली बना लीजिए और फिर वैसे ही विचार कीजिए जैसे कि आप जन्म कुंडली देखते हैं, D1 चार्ट देखते हैं, आपका D1 चार्ट बोलते हैं ना जन्म कुंडली चार्ट को, नवांश को D9 चार्ट बोलते हैं, तो D1 चार्ट आप वैसे ही देखिए जैसे आप देखते हैं। लेकिन मान लिया आपको चौथे भाव का विचार करना है तो चौथे भाव को आप लगन बना लीजिए, पांचवें भाव का विचार करना है तो पांचवें भाव को आप लगन बना लीजिए और फिर कुंडली देखिए आप सारी। अब जैसे मान लिया कि आपको विचार करना है कि अपनी पुत्र वधु का, यानी आपको अपनी संतान की वधु का विचार करना है या पुत्र की स्त्री का विचार करना है तो कैसे विचार करेंगे, तो कुंडली में पुत्र का भाव होता है पांचवा, तो पुत्र की स्त्री का भाव हुआ पांचवें से सातवा, तो पांचवें से सातवें पे जाइए तो वहां से पुत्र की स्त्री का विचार होगा, उसको लगन बना लीजिए और फिर कुंडली देखिए तो वो पुत्र की स्त्री की कुंडली हो गई, तो दूसरा भाव जो होगा वो पुत्र की स्त्री का धन हो जाएगा, तीसरा भाव पुत्र की स्त्री का पराक्रम हो जाएगा, चौथा भाव पुत्र की स्त्री का सुख हो जाएगा, ऐसे ही सारा भाव चलेगा। तो जब भी आपको अपनी पुत्र की स्त्री की कुंडली देखनी है तो इस तरीके से आप उसको लगन बना सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जैसे लीजिए, मान लिया आपको अपने पत्नी के धन का विचार करना है, आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी धनी होगी या नहीं होगी, कैसा होगा क्या होगा उसका विचार करना है, तो सप्तम से दूसरा, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का भाव है तो दूसरा भाव हमेशा धन का भाव होता है, तो उससे दूसरा भाव धन का भाव हुआ तो उसको लगन बना लीजिए और फिर कुंडली देखिए आप, तो वो पत्नी के धन का विचार उससे आपको आ जाएगा। पत्नी के छोटे भाई का विचार आपने करना है, अपने ब्रदर इन लॉ का विचार आपने करना है, तो कैसे करें, तो जो सप्तम भाव है उसे तीसरा भाव पकड़ लीजिए आप और उसको लगन बना लीजिए, तो वो पत्नी के छोटे भाई की कुंडली बन गई और दूसरा भाव पत्नी के छोटे भाई का धन हो गया, तीसरा भाव पत्नी के छोटे भाई का पराक्रम हो गया और इस तरह से आगे बढ़ता चला गया। तो ये आपको समझ आ रहा होगा बहुत सिंपल नियम है और इस नियम को बहुत फल मिलते हैं इस नियम से। अच्छा, अब इन्होंने इसी के अंदर बताया है एवं ही तत्कार तो विचिन्त्यम पितुश्च मातुश्च सहोदरस्य, ये कहता है
यदि पिता का विचार करना है तो सूर्य जिस भाव में है उसको लगन मना लो। पिता का विचार करना है तो सूर्य जिस भाव में है उसको लगन मना लिया आपने, और सूर्य से द्वितीय से पिता का धन, सूर्य से तृतीय से पिता का पराक्रम, सूर्य से चतुर्थ से पिता का सुख, सूर्य से पंचम से पिता का संतान और पिता का जो हायर एजुकेशन है वो देखेंगे, और सूर्य से छठे से आपका पिता का रोग ऋण देख शत्रु देखेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसे कि हम डीवन चार्ट देखते हैं। फर्क कितना है कि आपको पिताई कुंडली बनानी है, पिताई कुंडली आपके पास नहीं है तो आप जहां आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है उस राशि को लगन बना लीजिए और फिर उस कुंडली को अपने पिताई कुंडली समझिए और उसके हिसाब से फिर कुंडली को देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फल इससे मिलता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फल वो भी है, हालांकि उसका यहाँ मेंशन नहीं किया गया है बट शास्त्रों में वो भी मेंशन है, उससे भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं कि अगर आपको पिताई कुंडली देखनी है तो सूर्य से नवम भाव को लगन बना लीजिए, माताई कुंडली देखनी है तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव को लगन बना लीजिए, भाई की कुंडली देखनी है तो मंगल से तीसरे भाव को लगन बना लीजिए। तो इस तरीके से भी आप कुंडली देख सकते हैं, यानी एक तो सीधा पिताई कुंडली आपने देखनी है तो सूर्य से नवम को लगन बना लिया, वहां से कुंडली देख ली। एक तरीका यह है कि नवम भाव को ही लगन आपने बना लिया, वहां से कुंडली देख ली। और तीसरा तरीका यह है कि सूर्य जिस राशि में बैठा है उसको लगन बनाया और वहां से कुंडली देख ली। तो तीन तरीके हैं आपको पिताई कुंडली देखने के लिए। तो जब भी आपको अपनी कुंडली से पिताई कुंडली चेक करनी हो तो इन तीन तरीके से एक बार चेक कर लीजिए, और रिजल्ट अगर बाई एंड लार्ज बराबर आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई कमी नहीं है। इसके बाद तो ये तो वही हो गया जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य जहां बैठा है उससे दूसरे भाव से पिता का धन हो जाएगा, उससे तीसरे भाव से पिता के भाई हो जाएंगे, चौथे भाव से पिता का सुख हो जाएगा, पांचवें से पिता का एजुकेशन हो जाएगी, उनकी बुद्धि हो जाएगी, उनका विवेक हो जाएगा, छठे से पिता के दोष शत्रु और रोग हो जाएंगे, सातवें से पिता का जो व्यापार है या स्त्री पुरुष का प्रेम है वो सब चीजें हो जाएगा, अष्टम से पिता का दुख हो जाएगा, उनकी आयु का विचार होगा, उनकी मृत्यु का विचार होगा, इस तरीके से आगे आप चलते रहेंगे। तो आपको सूर्य स्थित राशि से करना चाहिए। और इसके अंदर यह भी बताया है कि सूर्य से अगर आपने लगन बना लिया, सूर्य स्थित राशि को आपने लगन बना लिया तो सूर्य उसको दशम भाव क्या भाव डिनोट करेगा उस केस में, जहां सूर्य आपका बैठा है आपने उस अपनी कुंडली में देखा कि सूर्य आपका चार नंबर राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो कर्क को आपने लगन बना लिया। अब उससे दसवां भाव क्या बताएगा आपको, दसवां भाव पिता का व्यापार बताएगा आपको, पिता का कर्म बताएगा, क्योंकि वो कुंडली पिता की बन गई। तो आप सोचिए कि ये कुंडली पिता की है, उसके हिसाब से आपको विचार करना है और किसी तरह से विचार आपको नहीं करना है। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि तद्द भावत कार का देवम है, वो कहते हैं कि इसी प्रकार पिता माता भाई पुत्र स्त्री आदि का विचार करना हो तो ऐसे ही विचार करना चाहिए, भाव भावेश कारक तीनों का विचार कर लीजिए, यदि भाव भावेश और कारक तीनों बलवान हो तो भाव संबंधी सुख प्राप्त होता है। ये तो हमने पहले भी क्लासेस गई है उस नियम के अंदर नियम पढ़ाया है कि भाव भावेश एक होता है, भाव बल एक होता है, भाव फल, भाव बल जो निकलता है वो जब निकलता है जब भाव भावेश और कारक तीनों की स्थिति देखी जाती है कि भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या नहीं, भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है या नहीं, भाव आपका शुभ कतरी में है या नहीं है, भाव में उच्च का ग्रह बैठा है या नहीं है, फिर भाव भावेश कहाँ गया है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में गया है या कहाँ गया है, कारक कहाँ गया है, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में गया है या कहाँ गया है, ये सब देखते हैं। और अगर ये सब बलवान हो तो उस भाव संबंधी सुख प्राप्त होते हैं, और ये सब वीक हो तो उस भाव संबंधी हानि प्राप्त होती है। एक बहुत सिंपल सा पॉइंट इसके अंदर है कि लग्नेश का अष्टक वर्ग चेक कर लीजिए। अष्टक वर्ग आप लोग बनाना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये मिल जाएगा। आप लग्नेश का अष्टक वर्ग ले लीजिए, मतलब लग्न का जो स्वामी है, अगर वो सूर्य बनता है तो सूर्य का अष्टक वर्ग ले लीजिए, अगर वो चंद्र बनता है तो चंद्रमा का अष्टक वर्ग ले लीजिए। तो जिस भाव में सबसे अधिक बिंदु हो या जिन भावों में शुभ बिंदु हो, नॉर्मली अष्टक वर्ग में 8 पॉइंट मैक्सिमम हो सकते हैं, तो आप ये समझिए कि 4 पॉइंट से ऊपर हो जिस भाव में वो अच्छा होता है, 5 पॉइंट या उससे ऊपर जो होते हैं भाव में वो अच्छा होता है। तो सिंपल प्रिंसिपल आपको ये लगाना है कि लग्नेश के अष्टक वर्ग में जिन भावों में 5 बिंदु से ऊपर बिंदु हो, यदि उन भावों के स्वामी बलवान हैं और लग्नेश के साथ हैं तो उनका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा।
लेकिन जिस भाव में थोड़े बिंदु हो, मतलब 5 से कम हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, और उस भाव का स्वामी भी बलवान हो, जिस भाव में बिंदु कम है, अगर वहां पे मान लिया वृष राशि है तो उस स्वामी कौन हुआ? शुक्र। शुक्र कुंडली में भी बलहीन है, 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है, पीड़ित है, तो उस केस में, और वो लग्नेश के साथ है, तो अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार आपको सभी भावों का विचार करना है, शुरू से लेके आखिर तक। अब इसमें कहते हैं दूस्थान पस्थ द्वित्रय स्वगृहस्थे चैते, ये क्या बोलते हैं? स्वक्षेत्र भाव फल मेवे करोति नान्यतः, मंदो मृगे सुत ग्रहे यदि पुत्र सिद्धि सष्टाधिपत्य कृत दोष फलम चनात्रय। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं यदि कोई ग्रह दो राशियों का स्वामी, जैसे नॉर्मली सूर्य चंद्रमा को छोड़ के बाकी सारे ग्रह दो राशियों के स्वामी होते हैं, तो एक राशि लगन से शुभ स्थान में है और दूसरी राशि लगन से दुख स्थान में पड़े उसकी, यानी एक राशि तो केंद्र त्रिकोण में पड़ जाए, एक राशि उसकी 6-8 12 भाव में पड़ जाए, तो क्या होगा कि अच्छे स्थान का स्वामी होने का वो शुभ फल देगा और दूसरे स्थान के स्वामी होने का क्या करेगा, वो उसका अशुभ फल देगा या क्या करेगा? तो वही वो ये कह रहे हैं कि मान लिया कन्या लग्नी कुंडली आपकी है और कन्या लग्न में शनि पंचम में मकर राशि का हो, मकर राशि क्या है? उसकी स्वय राशि, पंचम में बैठा हुआ है शनि, और 6ठे में उसकी राशि आई 11 नंबर कुंभ राशि, तो देखा जाए तो उसकी जो कुंभ मूल त्रिकोण राशि है वो 6ठे भाव में हो गई, तो शनि को 6ठे का दोष लगना चाहिए। जहां किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है उसको उस भाव का दोष लग जाता है, अगर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 6-8 12 भाव में हो तो उसे 6ठे 8वें 12वें का दोष लग जाता है और वो षष्ठमेश अष्टमेश और द्वादशेश कहलाता है। लेकिन मंत्रेश्वर जी ने ये कहा है फल दीपिका में कि ऐसे केस में प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे केस में शनि का रिजल्ट अच्छा रहता है कन्या लग्न में, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, इन्होंने पहली कंडीशन दी है कि शनि मकर में बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो वहां पर वो फल खराब नहीं करेगा, वहां पर वो षष्ठेश का रोग प्रभाव लेकर नहीं आएगा क्योंकि वो स्व राशि में बैठा हुआ है, इसलिए वो अपना षष्ठेश होने का प्रभाव वहां पर नहीं दिखाएगा और वहां के दुख फल आपको नहीं देगा। तो आशा करता हूं ये नियम आपको सारे समझ में आए होंगे, और इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज अभी और आगे चलाने वाला हूँ दशा के ऊपर, जिसमें मैं डिफरेंट दशाओं के डिफरेंट फल बताऊंगा आपको, तो वो देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी यूजफुल है। इसके अलावा हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, बेसिक से एडवांस तक पूरा, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, क्रिसमस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 25 दिसंबर से, जो भी इंटरेस्टेड हों अपना नाम को एनरोल करा सकते हैं और दिए गए नंबर के ऊपर। बस इतना ही मुझे आपसे कहना है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।